एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल खत्म हुआ और एक बार फिर से एमसीडी से हंगामेदार तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आप देखिए एमसीडी के सदन की अभी बैठक हुई भी नहीं है, तो आप देखिए कि जो बीजेपी के पार्षद हैं वो बड़ी संख्या में एमसीडी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और तमाम यहाँ पे जो पार्षद हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है मैम, अब वजह क्या है? मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल खत्म हुआ फिर हंगामेदार तस्वीरें आने लगी। देखिए ये इसमें किसी कार्यकाल का कोई औचित्य नहीं है, मेयर तो अभी है चेयर पे जब तक कि दूसरे मेयर नहीं आ जाते। लेकिन जो हुआ है पिछले दिनों, मतलब हमें इतना दुख हो रहा है इस बात का कि जो कर्मचारी लगातार इतने सालों से निगम के लिए काम कर रहे थे, आपने अचानक उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म कर दिया बिना कोई उनको आश्वासन दिए, बिना किसी बात को आगे बढ़ाए। एक तरफ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो उनके परिवारों की चिंता है और दूसरी तरफ निगम के पार्कों का रख रखाव वो करते थे, तो ऐसे में पार्कों की हालत खराब हो रही है। दिल्ली के मेयर है, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अरविंद केजरीवाल जी के आश्वासन पर हम तमाम जो कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट करेंगे। देखिए वो अरविंद केजरीवाल जी का आश्वासन की बात करते हैं, वो दिल्ली के मेयर हैं, निगम वो चला रही हैं, हमें उनकी बात चाहिए कि उन्होंने किया क्या है। वो उनके आश्वासन की बात करते हैं और खुद यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो उनको आकर के सामने आकर के उनका कॉन्ट्रैक्ट बहाल करना चाहिए, दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए। बीजेपी के पार्षदों का ये आरोप है कि जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है और अब उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहिए, जिसके लिए तुरंत दिल्ली की जो मेयर है उन्हें ये कहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया, लेकिन नए मेयर और डिप्टी मेयर बनने तक वो अपने पद पर कायम रहेंगी। ऐसे में जल्द से जल्द बीजेपी के पार्षदों की ये मांग है कि जिन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया है उन्हें बहाल किया जाए। कैमरामैन अभय के साथ दिव्य अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।